बजरंगी भाईजान 2 की शूटिंग लोकेशन। क्या बजरंगी भाईजान 2 सच्ची कहानी पर आधारित है? तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बरेगा स्टूडियोज पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं सलमान खान की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में। पिछले साल दिसंबर में सलमान खान ने कंफर्मेशन की थी कि उनकी 2015 में कॉमेडी ड्रामा बजरंगी भाईजान के सीक्वल पर काम चल रहा है और इसका नाम पवन पुत्र भाईजान रखा गया है। अभिनेता ने बताया था कि टाइगर ट्री, नो एंट्री सीक्वल और कभी ईद कभी दिवाली के बाद वो इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। भाईजान के मच अवेटेड सीक्वल बजरंगी भाईजान 2 अब हमारे पास। एक और अपडेट है इस मूवी से रिलेटेड। लेखक केवी विजेंद्र प्रसाद ने पुष्टि की है कि वो जल्द ही स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देंगे। सलमान खान के ब्लॉकबस्टर बजरंगी भाईजान भले ही काल्पनिक काम हो, लेकिन ये 14 साल से पाकिस्तान में फंसी एक डेफ एंड डम भारतीय लड़की के वास्तविक जीवन की कहानी से आधारित है। ऐसे में हमें बजरंगी भाईजान 2 में भी काल्पनिक कहानी सुनने को मिल सकती है। मैंने कुछ समय पहले सलमान खान के साथ कहानी का विचार शेयर किया था और उन्हें ये पसंद आया। मैं मई के आसपास स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दूंगा। कई पुरस्कार विजेता लिखे लेखक ये सब कहते हैं, जिन्होंने कबीर खान की बजरंगी भाईजान भी लिखी थी। ये पूछे जाने पर कि क्या सीक्वल भाग 1 की ही कॉन्टिन्यूटी होगी या पूरी तरह से नई कहानी होगी, प्रसाद ने बताया कॉन्टिन्यूटी। सलमान के अलावा 2015 की ओरिजिनल में करीना कपूर खान, हर्षाली मल्होत्रा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। एक रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि बजरंगी भाईजान 2 की शूटिंग नई दिल्ली, करजत और कश्मीर घाटी में सोनमर्ग और जोजीला रह सकती है। खबरों की माने तो डायरेक्टर कबीर खान का कहना है कि बजरंगी भाईजान में काम करना उनके जीवन के बेहतरीन अनुभवों में से एक है। मैं ये नहीं भूल सकता कि फिल्म ने पेशेवर क्षेत्र में मेरे लिए क्या किया है। सलमान के साथ मेरा सहयोग हमेशा खास रहा है और हमने साथ बिताए हुए वर्षों में सभी का आनंद लिया है। मुझे ईमानदारी से कहना होगा कि अगर ये सलमान के साथ मेरे सहयोग के लिए नहीं होता तो मुझे आज इंडस्ट्री में वो स्थान नहीं मिल पाता जो मेरे पास है। उन्होंने मुझे एक फिल्म क्रिएटर के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद की। तो हाँ, अगर ऐसा कुछ है जो हम दोनों को उत्साहित करता है तो वो है सलमान के साथ काम करना। हमने एक शानदार यात्रा की है और फिर से मैं सलमान के साथ काम करने के लिए अपना दाहिना हाथ दूंगा, चाहे वो बजरंगी की सीक्वल हो या कुछ और, फिल्म क्रिएटर ने कहा था। इसी के साथ अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यही इसी चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज पर। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।